क्रूस उठा के मैं चल पड़ा हूँ, कलवारी है मेरा मुकाम। कलवारी है मेरा मुकाम, एक आत्म की यात्रा कलवारी की ओर। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमारे हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। आइए हम मनन चिंतन करें। आज वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने पापों को उनके सामने स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देते हैं। यह जानकर कि हमारा ईश्वर बड़ी आत्मीयता और उत्सुकता से हमारी वापसी का इंतजार कर रहा है, आइए उपवास और तपस्या के इस समय में हम दुखी हृदयों से ईश्वर के सामने आने में संकोच न करें। हम ईश्वर की दिव्य क्षमा के उपहार को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपनाएं और ये हमें दूसरों के प्रति कृपा और दया की भावना रखने के लिए प्रेरित करें। हे स्वर्गीय पिता, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो तू हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और न्यायप्रिय है। हमें हमारी गलतियों और कमियों को स्वीकार करने का साहस प्रदान कर और तेरे साथ मेल मिलाप करने से मिलने वाली दिव्य शांति से तू हमें भर दे, ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें तेरे प्रेम और दया को प्रतिबिंबित करते हुए दूसरों को भी वही क्षमा प्रदान कर सकें। आमीन। चल पड़ा हूँ, कलवारी है मेरी।